आखिरकार कांग्रेस ने इस बात को कबूल कर लिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसने केजरीवाल के साथ फ्रेंडली मैच खेला। उसका असली इरादा केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का नहीं बल्कि उन्हें फायदा पहुंचाने का था, ताकि आम आदमी पार्टी की जीत पक्की हो सके। इसलिए उसने जानबूझकर आम आदमी पार्टी के लिए मैदान खाली छोड़ दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए ये कांग्रेस की सोची समझी नीति थी। केटीएस तुलसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए कुर्बानी दी है और दिल्ली में वोटों का बंटवारा नहीं होने दिया। यदि कांग्रेस भी चुनाव में पूरी ताकत लगाती तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता। हालांकि कांग्रेस की कुर्बानी वाली स्क्रिप्ट तब लिखी गई जब एग्जिट पोल के अनुमान में ये बता दिया गया कि दिल्ली में कांग्रेस को महज 5% वोट मिलता दिख रहा है, जो अब तक का सबसे कम वोट प्रतिशत है। 2015 में भी कांग्रेस को 10% वोट मिले थे, लेकिन कांग्रेस का गरीब और मुस्लिम जनाधार खिसक कर आम आदमी पार्टी के पास चला गया और उसकी सियासी दुकान पूरी तरह से बंद हो गई। केटीएस तुलसी की बात सही है कि कांग्रेस ने बेमन से चुनाव लड़ा, ना कोई रणनीति ना कोई तैयारी। मतलब सीधा है कि कांग्रेस पहले ही ये मानकर चल रही थी कि दिल्ली में ताकत लगाने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसे जीतना तो है नहीं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि हमने तो पूरा जोर लगाया, लेकिन अगर केजरीवाल जीतते हैं तो ये विकास के एजेंडे की जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।